बिहार प्रभारी बनाए जाने के बाद भक्त चरण दास पहली बार पटना पहुंचे, मगर उनके यहां आते ही बवाल पर बराल जारी हो गया। सोमवार को जहां उनके कार्यक्रम से पार्टी के बड़े नेता नाराज रहे, तो वही दूसरी ओर यानी कि आज बैठक के दौरान कांग्रेस नेता आपस में ही भिड़ गए। बता दें, विरोध करने वाले नेताओं को मन से धक्का देकर नीचे फेंकना गया। नेताओं के बीच आपस में धक्का मुक्की के बीच कुछ नेताओं के कपड़े फट गए। इस बैठक का तमाशबीन बने प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा कि हंगामा करने वाले पार्टी के नेता नहीं बल्कि बाहरी लोग थे। प्रभारी बनने के बाद भक्त चरण दास सोमवार को पहली बार बिहार के दौरे पर पटना पहुंचे थे। पटना आने के पूर्व ही उनका पूरा कार्यक्रम निर्धारित था। सोमवार की उनके साथ होने वाली बैठक में जहां पार्टी के बड़े नेता शामिल नहीं हुए, वहीं मंगलवार को किसान सेल के नेताओं के साथ बैठक में धक्का मुक्की और कपड़े फाड़े गए। हुआ यूं कि बैठक में प्रभारी के साथ प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह धीरज भी मंच पर मौजूद थे। इसको लेकर किसान सेल के बिहार प्रभारी राजकुमार शर्मा ने आपत्ति दर्ज की। उन्होंने प्रभात खबर को बताया कि श्याम सुंदर सिंह धीरज किसान सेल पर कब्जा जमाना चाहते हैं। जब किसान सेल की बैठक थी उसमें कार्यकारी अध्यक्ष की उपस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी का विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई, कपड़े फाड़े गए और मंच से धक्का देकर नीचे फेंक दिया गया। इधर पार्टी का कहना था कि श्री धीरज राज सेल के प्रभारी हैं, इसलिए वो मंच से गिर गए थे। गौरतलब है कि सोमवार को भी पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यकाल सदाधिक आश्रम में भक्त चरण दास की मौजूदगी में ही अलग अलग गुटों ने जमकर नारेबाजी की। हंगामा कर रहे पूर्व विधान पार्षद को हटाने के लिए पुलिस को बुलाया भी पड़ा। हालांकि पटना एयरपोर्ट पर उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया था, लेकिन सदाकत आश्रम पहुंचते ही दो नेताओं ने टिकट बंटवारे में भ्रष्टाचार के आरोप फिर से लगाने शुरू कर दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।